हाय एवरीवन स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपना मास्क आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मास्क आधार कार्ड आखिर होता क्या है तो दोस्तों मास्क आधार कार्ड वह होता है कि आपके आधार कार्ड का जो भी आधार नंबर होता है वो लास्ट के फोर डिजिट वहाँ पे शो होते हैं देन उसके बाद उसके पहले वाले डिजिट जो होते हैं उसमें वहाँ पे शो नहीं होते तो वहाँ पे क्रॉस किया जाता है तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा कम्प्लीट प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने माक्स आधार को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों ये मास्क आधार हर जगह यूज हो सकता है ये तो दोस्तों इस मास्क आधार की जो मान्यता है हर जगह प्राप्त है ये हर जगह यूज हो सकता है ऐसे तो बहुत सारे जगह लेता भी और बहुत सारे जगह नहीं लेता है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मास्क आधार को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ और दोस्तों अगर आपके सवाल कोई सवाल भी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर दोस्तों अभी मैं आगे गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तो मार्स्क आडा डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है सिंपली सा यू आई डी ए आई तो आप जैसे ही यू आई डी आई सर्च लिख करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा यू आई डी ए आई का एक ऑप्शन तो आपको सिंपली सा इस वाले पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली सा नीचे में जाना है और नीचे में यहाँ पे दिखेगा ये यह आपको यहाँ एक ऑप्शन डाउनलोड आधार तो आप सिंपली सा इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे में एक और पेज आ जाएगा इस तरह से डाउनलोड आधार का तो आपको सिंपली से यहाँ पे डाउनलोड आधार वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है देन उसके बाद आपको चले आएंगे इस वाले पेज पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा तीन ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको आधार डाउनलोड करने के लिए तीन ऑप्शन मिलेंगे पहला ऑप्शन है आधार नंबर से और दूसरा ऑप्शन है इनरोलमेंट आई से और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल आई से तो दोस्तों तो मैं यहाँ पे आधार नंबर से डाउनलोड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे आधार नंबर बहुत सारे लोगों के पास होता है तो सिंपली से आपको क्या करना है यहाँ पे अपना आधार नंबर इसमें एंटर करना है और उसके बाद नीचे वाले में आपको ये जो कैप कैप्चा दिख रहा है एंटर कैप्चा वो वाला कैप्चा नीचे वाले में एंटर कर देना है इस वाले में तो सिंपली से चलिए मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन को एंटर कर लेता हूँ तो ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है सेंड ओ पे क्लिक कर देना है तो आप जैसे ही सेंड ओ क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा आप यहाँ कैप्चा जो है यहाँ पे गलत हो चुका है तो चलिए मैं इसे फिर से एंटर कर लेता हूँ तो आप जैसे ही यहाँ पे सेंड ओ करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओ जाएगा जो भी आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड है वो उस उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है तो आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके ऊपर ही जस्ट आपको दिखेगा डू यू वांट अ मास्क आधार तो इस वाले ऑप्शन को आपको ट्रैक कर टिक कर देना है तो आप जैसे यहाँ पर टिक करके और यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आधार आसानी से डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पी में ओपन करने के लिए आएगा तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको पी में एक पासवर्ड होता है जिससे आपको ओपन करना है तो वो पासवर्ड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी नेम है आपका जो भी नेम है उसका चार लेटर फर्स्ट जो है फोर लेटर जो बड़े बड़े अक्षरों में ए बी सी डी के बड़े लेटरों में यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपका बर्थ ईयर कौन सा है यानी कि आपका आपका जो भी बर्थ ईयर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया जैसे कि योर नेम इज अनी कुमार अनीश कुमार तो यहाँ पे आपको क्या करना है अनिस नेम का चार लेटर जो है ए एन आई एस अनीस लिखना है और इसके बाद आपका जो भी बर्थ है ईयर है वो आपको यहाँ पे एंटर करके उसे ओपन कर लेना है तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पी को ओपन कर लेंगे और दोस्तों इस तरह से आप अपना मास्ट आधार भी डाउनलोड बहुत ही आसानी से कर पाएंगे तो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके कि कैसे आप अपने यहां पे मास्क आधार को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना जिससे मेरी कोई भी इस तरह की वीडियोज़ आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल भी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम